सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज 10 पीसी या फिर आपके विंडोज 10 लैपटॉप्स में जो है दोस्तों आपके जो डेस्कटॉप के आइकन्स रहते हैं आप उसको जो है दोस्तों कहीं पर भी मूव नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आइकन को मैं जो है दोस्तों मूव करना चाह रहा हूँ तो वर्क नहीं कर रहा है। दोस्तों, मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक केयरफुली वॉच कीजिए, एक भी स्टेप एक भी मेथड मत मिस कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपके डेस्कटॉप पे एम्प्टी स्पेस पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद व्यू ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे अगर आपके पास जो है दोस्तों ऑटो अरेंज आइकन्स ये वाला जो ऑप्शन चेक है तो जस्ट आप इसको जो है दोस्तों अनचेक कीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए अभी आपके आइकन्स को मूव करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है अभी आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया है, मैं आप इजीली इसको जो है दोस्तों कहीं पर भी मूव कर सक रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन केस इससे भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप जो है नेक्स्ट मेथड ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड बहुत सिंपल है दोस्तों, विंडोज़ की होल्ड कीजिए और ई प्रेस कीजिए। ये शॉर्टकट की मदद से जो है दोस्तों आप अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर में जो है दोस्तों ऊपर के साइड टूल बार मेन्यू में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा व्यू का, जस्ट उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है दोस्तों ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। ऑप्शंस पे जो है दोस्तों जनरल सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, जस्ट उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जाना है व्यू वाले टैब में और फिर से आपको जो है दोस्तों रिस्टोर डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं रीसेट फोल्डर, ये दोनों जो है दोस्तों आपको रीसेट करना है। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना फाइल एक्सप्लोरर क्लोज कीजिए, एक मतलब आपका विंडोज 10 रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद चेक कीजिए, हो सकता है अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो अभी आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो माउस रहता है या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है उसका जो टच पैड रहता है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आपको चेक करना है। अगर आपका टच पैड या फिर आपका माउस जो है दोस्तों सही से वर्क नहीं कर रहा है तो आप जो है आप अपने आइकन्स को मूव नहीं कर सकते। एक मरतबा उसको चेक कीजिए आपका माउस हो या फिर टच पैड हो वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं। इन केस अगर आपका माउस सही है टच पैड सही है इसके बाद अगर आप ये प्रॉब्लम फेस करें तो आप नेक्स्ट मेथड ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड भी बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आपके पास आपके विंडोज 10 में कोई भी थर्ड पार्टी ऐप ऑर्गेनाइजर ऐप है कि आप अपने ऐप्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आइकन्स को चेंज कर सकते हैं, इस तरीके का कोई भी अगर आपके पास थर्ड पार्टी ऐप है दोस्तों सबसे पहले आप वो जो है आप अपने विंडोज 10 से उसको अनइंस्टॉल कीजिए। वो ऐप से भी आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, इसीलिए आप उसको जो है दोस्तों अनइंस्टॉल कीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद चेक कीजिए, हो सकता है अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इन केस इससे भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप नेक्स्ट मेथड ट्राई कर सकते हैं। विंडोज़ की होल्ड कीजिए और आई प्रेस कीजिए, इससे क्या होगा आपकी विंडोज सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। विंडोज सेटिंग्स में आपको जाना है सिस्टम में, सिस्टम में जो है दोस्तों आपको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल एंड लेआउट, जस्ट ये ड्रॉप डाउन मेन्यू को एक्सटेंड कीजिए। इसका जो रिकमेंडेड स्केल परसेंटेज है दोस्तों वो आपको सेलेक्ट करना है। सेम इसी तरीके से डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी इसका जो रिकमेंडेड है वही आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने चेंज किया हुआ तो जस्ट इसका जो भी रिकमेंडेड रेजोल्यूशन है और इसकी जो स्केलिंग है वही आपको सेट करना है। उसके बाद देखिए हो सकता है अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इन केस इससे भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं आपको जो है और एक मेथड बताऊँगा। विंडोज सेटिंग्स में ही आपको जाना है पर्सनलाइजेशन में, पर्सनलाइजेशन में आपको जाना है थीम्स में। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिलेटेड सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, जस्ट उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ थीम्स टू चेंज डेस्कटॉप आइकन, जस्ट अगर ये चेक है तो आप उसको अनचेक कीजिए, अप्लाई पे क्लिक कीजिए और सिंपल से ओके पे क्लिक कीजिए, दैट्स इट। उसके बाद एक मरतबा आपका विंडोज 10 रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद चेक कीजिए, हो सकता है अभी आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। इन केस इससे भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो लास्ट और फाइनल सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर से आप अपनी विंडोज सेटिंग्स को ओपन कीजिए, जाइए अपडेट एंड सिक्योरिटी में। अगर विंडोज 10 का अपडेट अवेलेबल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो है दोस्तों अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद आपके जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स रहते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इनमें से कोई ना कोई मेथड 100% वर्क कर जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा ऑप्शन कौन सा मेथड वर्क किया है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड और भी डाउट्स है
तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।